जी तो दोस्तों पीएसएल 2023 का कल यानी कि 1 मार्च को एक और मैच खेला जाना है और ये मैच खेला जाना है पीएसएल की दो बड़ी टीम्स यानी कि पिशावर जलमी और कराची किंग के दरमियान। क्या दोस्तों ये मैंने सही कहा कि पीएसएल की दो बड़ी टीम्स, और ये मैच कौन सी टीम जीतेगी, पिशावर जलमी या कराची किंग, ये तो हम कल देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ अंदाजा लगा सकते हैं, कुछ तुक्का लगा सकते हैं। वो तुक्का कैसे लगाना है हमने देखना है। चंद फैक्ट्स एंड फिगर, पीएसएल की हिस्ट्री में ये दो टीम्स कितनी बार आपस में मध्य मुकाबल हुई और कौन सी टीम ज्यादा मैच जीती, कौन सी टीम कम मैच जीती, किस टीम का हाईएस्ट स्कोर कितना रहा, किस टीम का लोएस्ट स्कोर कितना रहा, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में और फिर उससे करेंगे फैसला कि ये मैच कल कौन जीतने वाला है। तो देर किस बात की दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल क्रिकेट वर्ल्ड को कर दे सब्सक्राइब, और दोस्तों साथ वाले बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर देना, उससे होगा क्या हमारी दोस्ती इस समय बनी रहेगी, पक्की रहेगी। तो दोस्तों देर किस बात की, जल्दी से करें फटाफट और फिर करते हैं हम वीडियो को शुरू। तो टाइम जाए किए बगैर हम वीडियो को शुरू करेंगे दोस्तों। दोस्तों आज हमने करना क्या है, दोनों टीम्स का मुख्तलिफ कैटेगरीज में कंपैरिजन करना है और हर टीम को उसके कंपैरिजन के हिसाब से एक एक प्लस पॉइंट देना है। लास्ट में होगा क्या, जिस टीम के पॉइंट ज्यादा होंगे तो हम समझेंगे भाई कि वो टीम कल मैच जीतने वाली है। तो देर की बात की, जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कंपेरिजन करेंगे मैचेस का, दोनों टीम पीएसएल की हिस्ट्री में कितनी बार मध्य मुकाबले आ चुकी है। दोनों टीम अब तक 18 मैचेस एक दूसरे के खिलाफ खेल चुकी है और इस कंपेरिजन में पिशावर जलमी की टीम आगे नजर आती है, आगे नहीं भाई बहुत ही आगे नजर आती है, क्योंकि पिशावर जलमी ने 18 मैचेस में से 13 मैच जीत रखे हैं, जबकि कराची किंग ने अब तक सिर्फ और सिर्फ पिशावर जलमी के खिलाफ 5 मैचेस जीते हैं। सो यहाँ पर हम प्लस पॉइंट देंगे पिशावर जलमी को। दोस्तों अब हम कंपैरिजन करेंगे 2023 के पीएसएल के दोनों टीम्स के की प्लेयर्स की। तो दोनों टीम्स के जो की प्लेयर्स हैं इस वक्त जो जबरदस्त फॉर्म में है, वो कराची किंग के जो है कप्तान इमाद वसीम और पिशावर जलमी के कप्तान बाबर आजम। अगर हम बाबर आजम की 2023 की पीएसएल की परफॉर्मेंस की बात करें तो कप्तान बाबर आजम ने अब तक 5 मैचेस खेले हैं और 178 रन बनाए हैं। इस दौरान इनका एवरेज 45 का रहा, जबकि स्ट्राइक रेट 130 का रहा और इनका हाईएस्ट स्कोर रहा 75। और अगर हम इमाद वसीम की 2023 के पीएसएल की परफॉर्मेंस की बात करें तो इमाद वसीम ने अब तक पीएसएल 2023 में 6 मैचेस खेले और जबरदस्त बैटिंग करते हुए 180 रन भी बनाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 176 का रहा, जबकि इमाद वसीम बॉलिंग भी करते हैं और उन्होंने 2023 के पीएसएल में अब तक 7 विकेटें भी हासिल कर रखी है। और यहाँ पर वाजिया प्वाइंट हम देंगे कराची किंग के कप्तान इमाद वसीम को। दोस्तों 2023 के पीएसएल में भी पिशावर जलमी और कराची किंग आमने सामने आ चुके हैं। दोनों टीम्स के दरमियान एक मैच खेला जा चुका है और ये मैच जीता है पिशावर जलमी ने, और यहाँ पर प्लस पॉइंट मिलेगा पिशावर जलमी को और कराची किंग को कोई पॉइंट नहीं मिलने वाला। दोस्तों अगर हम कंपैरिजन करें दोनों टीम्स के बैट्समैनों का, कौन सी टीम के बैट्समैन ने सबसे ज्यादा बड़ा स्कोर बनाया है पीएसएल हिस्ट्री में, यहाँ पर प्लस पॉइंट मिलेगा पिशावर जलमी को, क्योंकि पिशावर जलमी के बैट्समैन कॉलर कैट मोर ने 92 रन की बड़ी इनिंग खेल डाली है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों अगर हम इन दोनों टीम्स में कोई ऐसा प्लेयर ढूंढने बैठे जो कि बहुत ही ज्यादा तेज खेलता हो, बहुत ही हाई स्ट्राइक रेट से बैटिंग करता हो, तो वो बैट्समैन भी मिलेगा हमें पिशावर जलमी की टीम से। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद हारिस 185 के स्ट्राइक रेट से 2023 के पीएसएल में बैटिंग कर रहे हैं, तो एक पॉइंट और हो गया पिशावर जलमी का। और दोस्तों अगर हम कोई ऐसा बॉलर ढूंढे जो कि कराची किंग और पिशावर जलमी के दरमियान होने वाले मैचेस में सबसे ज्यादा विकेट हासिल कर चुके हैं, तो वो है जी पिशावर जलमी के तेज गेंदबाज वहाब रियाज। वहाब रियाज ने अब तक कराची किंग के खिलाफ 21 विकेट हासिल किए हैं, तो यहाँ पर एक और पॉइंट मिलेगा पिशावर जलमी को। दोस्तों दोनों टीम्स के पॉइंट डिसाइड हो चुके हैं, पिशावर जलमी यहाँ पर वाजिया तौर पर बढ़तरी हासिल कर रहा है। पिशावर जलमी ने 5 पॉइंट हासिल किए हैं, जबकि कराची किंग ने किया है सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट हासिल। तो दोस्तों क्या कल का मैच पिशावर जलमी जीतने वाला है, ये तो खैर हम नहीं कह सकते, कल ही देखेंगे कि कल का मैच कौन जीतता है, कराची किंग या फिर पिशावर जलमी। लग तो यही रहा है कि पिशावर जलमी का पड़ला बहुत ज्यादा भारी है और पिशावर जलमी ये मैच भी जीत जाएगा। मिल सकते हैं दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज।